इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल लगातार तीसरे दिन ईडी कोर्ट में पेश हुई हैं। ईडी की विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की पूजा सिंघल ने। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा के माध्यम से डिस्चार्ज पिटीशन की दायर की गई है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस पूजा सिंघल तीसरे दिन लगातार ईडी कोर्ट में पेश हुई। ईडी की विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया गया। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा के माध्यम से डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अपने दर्शकों को बता दें, ईडी की विशेष कोर्ट में लगातार तीसरे दिन आईएएस पूजा सिंघल, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पेश हुई। ईडी की विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा के माध्यम से डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया गया है। इसी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी राहुल। राहुल, लगातार तीसरे दिन निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ईडी कोर्ट में पेश हुई, ईडी की विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की, अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च की मुकर्रर की गई है, क्या है पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। कुटी भवे मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन आज दाखिल कर दिया गया है और अब इसकी जो सुनवाई है 17 मार्च को होगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो तीन दिनों तक लगातार कोर्ट से समय मांगा जा रहा था कि डिस्चार्ज पिटीशन दायर करने के लिए समय दिया जाए, तो फाइनली आज डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर दिया गया। हालांकि अगर आज पूजा सिंघल डिस्चार्ज पिटीशन फाइल नहीं करती तो ईडी की ओर से चार्ज फ्रेम हो जाता, कोर्ट ने कल ही हिदायत दे दिया था। तो उसको देखते हुए आज पूजा सिंघल की ओर से चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया है और डिस्चार्ज पिटीशन की सुनवाई जो है 17 मार्च को होगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो 17 मार्च को सुनवाई होगी वो पूजा सिंघल के लिए काफी अहम हो सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार तीसरे दिन निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ईडी कोर्ट में पेश हुई। ईडी की विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की, अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा के माध्यम से डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया गया।